की बात सही है। वर्तमान समय में रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसमें सभी मेरे मुस्लिम भाई जो है इबादत में लगे हुए हैं, और ये उनके लिए भी जो है पूजा का कठिन समय है। जिसमें सुबह से उठ करके रात में पूरी रात जाते हैं, सूर्य तटे पर जाते हैं और इसी पर्व को मनाते हैं। और वर्तमान समय में रमजान के साथ साथ कोरोना की भी जो मार है, इसमें बहुत बड़ी हो चुकी है। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि वो अपनी इबादत घर पर ही रहकर करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियाँ बन रही हैं और जो दवाइयाँ हैं बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, जो नहीं की हैं दवाइयों का शॉर्टेज बना हुआ है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज बना हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में घर रहकर ही वो सुरक्षित रह सकते हैं। और इस चेन को अगर तोड़ देंगे तो बीमारी भी यहाँ से चली जाएगी और समय अपना जो जीवन में सामान्य रूप से चलने लगेगा। मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह का ये हुक्म है कि इस समय घर में रहकर इबादत करें, जैसे आप घर में रहकर इबादत करें। कुरान भी कहती है कि ऐसे समय में घर रहकर ही इबादत करना चाहिए। ये उनके लिए ना सिर्फ अल्लाह के प्रति बल्कि ये काम अल्लाह के लिए भी जो है मिसाल साबित होगी, और ये उम्मीद है मेरे मुस्लिम भाई इस बात को समझें। आपका शुभ नाम अजय कुमार वर्मा, थाना प्रभारी से बोल रहा हूँ। थैंक यू।